एंशियंट टाइम्स में पेन, पेंसिल, पेपर, बुक तो होते नहीं थे, तो फिर लोग अपने लैंग्वेज को रिकॉर्ड या प्रिजर्व कैसे करते थे? कई ऐसे तरीके थे, जैसे कि स्टोन इंस्क्रिप्शंस, जहां पर टेक्स्ट को कार्व किया जाता था स्टोन के ऊपर यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो कि आप समझ लो आज के ज़माने के बुक की तरह ही होता था, जैसे बुक के अंदर पेजेस होते हैं उसी तरह पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर बहुत सारे ड्राइड पाम लीव्स होते थे जिनके ऊपर टेक्स्ट होते थे। इन टेक्स्ट को पहले इंस्क्राइब किया जाता था और फिर उन्हें इंक से ट्रेस कर दिया जाता था और इन पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक बुक की तरह स्टोर करके रखा जाता था। तीसरा तरीका, जो कि एक बहुत ही कॉमन तरीका होता था टू बी यूज्ड फॉर लीगल डॉक्यूमेंट्स, और वो था कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं।